व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आर्किटेक्ट रविंद्र सैनी आज आपके लिए 25x60 में घर का नक्शा लेकर आया हूँ। 3 BHK घर बनेगा, यानी कि 3 बेडरूम वाला घर है। इस ड्राइंग को समझाने के लिए मैं आपको पूरी जानकारी के साथ डिटेल में जानकारी दूंगा कि इसमें डोर, विंडो, फर्नीचर कहाँ पर क्या साइज़ देना है, कहाँ आपको फर्नीचर लगाने हैं, ये सब जानकारी आपको इसमें मिलेगी। आप इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। हमारे ये घर कुछ इस प्रकार से डिजाइन है, जिसमें यहाँ मेन गेट रहेगा और आपको मिलेगा 9 फीट का स्टेयरकेस एरिया। यह हमारे पास स्टेयरकेस एरिया है। इस स्टेयरकेस एरिया से हम जाएंगे हमारी छत पर, यानी फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे, और फर्स्ट फ्लोर पर ये ऊपर घर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, चेंज करना चाहें तो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ आपको स्टेयरकेस एरिया यहाँ बनाना है। तो घर के लिए यहाँ स्टेयरकेस एरिया बन जाएगा। आगे ड्राइंग रूम देना है आपको 12 फीट बाय 13 फीट 7.5 इंच का, जिसमें बैठने के लिए सोफे, टीवी का पॉइंट, और आगे की तरफ से एक दरवाज़ा, यानी कि फ्रंट लॉन छोड़ रखा है हमने 4 फीट बाय 14 फीट 1.5 इंच के जगह हमने आगे खाली छोड़ रखी है। तो उस साइड से आपको एक दरवाज़ा और एक विंडो लगा देनी है, ताकि उस साइड से भी एंट्री हो जाए, और वेंटिलेशन के लिए विंडो हमने लगाई हुई है। अंदर से ड्राइंग रूम ओपन है, इसमें दरवाज़ा नहीं लगाया गया, तो यहाँ पर हम आर्च टाइप में बना देंगे। तो ये ड्राइंग रूम यहाँ बन जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ बनाना है डाइनिंग एरिया, 14 फीट 9 इंच बाय 12 फीट का तो डाइनिंग एरिया हो जाएगा, और 8 फीट 10 इंच बाय 12 फीट का लॉबी हो जाएगा, जिसमें आपको बैठने के लिए सोफे मिल जाएंगे। यानी कि आपको टोटल 8 फीट 10 इंच की तो लॉबी, और इस साइड पर डाइनिंग एरिया ये आपको मिलेगा यहाँ पर। यह आपको 23-8 की ये डाइनिंग एरिया आपको यह मिल जाएगा, यानी कि लॉबी कम डाइनिंग एरिया 23-8 का मिलेगा। इसके बाद आपको हम यहाँ पर किचन बना कर देंगे। किचन 10 फीट बाई 11 फीट का मिलेगा, गैस चूल्हा सिंक के साथ आपको यहाँ किचन मिल जाएगा। इसका वेंटिलेशन होगा वो होगा स्टेयरकेस एरिया की तरफ, तो यहाँ हम किचन बना सकते हैं, और इसमें फ्रिज भी लग जाएगा। तो घर के लिए 10 फीट बाई 11 फीट का एक किचन यहाँ बनेगा। तो ये आपको घर के लिए किचन यहाँ बनाना है। यहाँ आपको एक बेडरूम देना है 12 फीट बाई 11 फीट का, इसमें बेड लगाना है आपको, टीवी लगाना है, अलमीरा लगानी है, यानी कि अलमीरा बनानी है, और इसका वेंटिलेशन आपको बाहर की तरफ करना है। तो यहाँ आप बेडरूम बना सकते हो। तो ये हुआ हमारे घर के लिए एक बेडरूम। इसके बाद आपको यहाँ बनाना है सेकंड बेडरूम, यानी कि दूसरा बेडरूम। इस बेडरूम में आपको साइज़ देना है 12 फीट 10 इंच बाई 11 फीट का, बेड, टीवी का पॉइंट, अलमीरा बनानी है इसमें। ये घर के लिए यहाँ एक बेडरूम बनेगा। इसके लिए जो विंडो लगेगी वो पीछे लग जाएगी, तो इसका वेंटिलेशन पीछे हो जाएगा। तो यहाँ आप बेडरूम बना सकते हो। तो घर के लिए एक बेडरूम यहाँ बनेगा, यानी कि दूसरा बेडरूम यहाँ बन जाएगा। तो ये हमारे घर के लिए यहाँ बेडरूम बनेगा। यहाँ एक फॉयर बनेगा, ताकि हम टॉयलेट और बेडरूम में एंट्री करें। तो यहाँ पर आपको 7 फीट 9 इंच बाय 3 फीट 6 इंच का एक फॉयर बनाना है। ये इस फॉयर से हम इन बेडरूमों में एंट्री करेंगे। आप इस वाले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ हम टॉयलेट बनाएंगे कॉमन, यहाँ 7 फीट 4.5 इंच बाई 8 फीट 1 इंच का, जिसमें सीट, वॉश बेसन,
और शावर तीनों चीज़ें लगेगी। इसका वेंटिलेशन बाहर कर देंगे तो इसका वेंटिलेशन बाहर की तरफ हो जाएगा, तो ये घर के लिए टॉयलेट यहाँ बन जाएगा। तो ये हमारे घर के लिए एक टॉयलेट यहाँ बना। तो ये हुआ टॉयलेट। इसके बाद आपको बनाना है घर के लिए एक किड्स रूम। किड्स रूम आपको यहाँ बनाना है 9 फीट बाय 12 फीट का, जिसमें बेड लगा देना है, टीवी भी लग जाएगा, विंडो बाहर लग जाएगी, तो इसका वेंटिलेशन बाहर की तरफ हो जाएगा। तो ये घर के लिए आपको यहाँ किड्स रूम बना देना है। तो यहाँ पर हम किड्स रूम बना देंगे। आप इस वाले वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना आप, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।